उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक खुशखबरी है, एसएससी एमटी 2022-23 कैंडिडेट्स के लिए डिपार्टमेंट एलोकेशन के रिगार्डिंग एसएससी एनडब्ल्यूआर का डिपार्टमेंट एलोकेशन का जो है स्टेटस आउट हो चुका है, मतलब नॉमिनेशन स्टेटस आउट हो चुका है। नॉमिनेशन स्टेटस का मतलब होता है कि मतलब आपको कौन सा डिपार्टमेंट में भेजा गया है आपका ईडोजियस, उसमें ये बताया जाएगा। तो ये इतना काफ़ी होता है आपका जो ये है डिपार्टमेंट जानने के लिए, इतना को काफ़ी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे चेक करेंगे। अभी लेटेस्ट का अपडेट है इसलिए बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों को हेल्प कर देता हूं। ठीक है, पहले आप गूगल पे जाइएगा और यहां पे टाइप कीजिएगा SSC NWR। ठीक है, SSC NWR यहां पे टाइप कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जाइए और ये क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे कुछ आएगा, इसको कट कर दीजिएगा कोरोना से रिलेटेड कुछ, अभी तक ये डालते रहते हैं नोटिस। फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है 3 डॉट का निशान और यहाँ पे जो नो योर स्टेटस है, नो योर स्टेटस पर क्लिक करिएगा। और नो योर स्टेटस के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है। एक मिनट दोस्तों, नहीं नहीं नो योर स्टेटस में कहाँ गया, नीचे होगा, हाँ यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटस टाइप आइएगा तो यहाँ पे एक आएगा एप्लीकेशन स्टेटस और एक आएगा नॉमिनेशन स्टेटस। तो नॉमिनेशन स्टेटस पे क्लिक करिएगा, नॉमिनेशन स्टेटस पे क्लिक करिएगा तो आपका सिलेक्ट एग्ज़ाम पे आएगा। सिलेक्ट एग्ज़ाम में करने के बाद दोस्तों आप अपना ये करना पड़ेगा, ये जैसे यहाँ पर आ रहा है नॉमिनेशन ऑफ स्टेटस डूजर्स ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन रिजल्ट, और यहाँ पे अपना रोल नंबर डालिएगा और सर्च करिएगा तो आपका डिपार्टमेंट आपका आ जाएगा सामने लिख के। ठीक है दोस्तों, तो यही ये मैंने जैसे बोला था कि आ जाएगा बहुत जल्द सारे डिपार्टमेंट का। तो NWR का तो जैसे मैं बोला था इसके बाद NWR का आएगा, तो NWR का आ गया। अब बस दोस्तों जैसे कि हम लोगों को पहले से एक्सपेक्टेशन था कि CR और NR रीजन का सबसे लास्ट में आता है, इसके बाद दोस्तों NR रीजन का आएगा तब CR रीजन का आएगा। ठीक है, वेबसाइट पे अभी वेबसाइट पे NWR का भी आ गया, मतलब कि सारे डिपार्टमेंट जितना भी रीजन है सबका आ गया है, 7 रीजन का, बस 2 रीजन का इनका बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं कब तक आएगा। बस इसमें इतना ही अपडेट है, और दोस्तों अगर आप लोग को हेल्प हुआ हो इससे तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जिनको पता नहीं होगा इसके बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत दिनों से NWR रीजन वाले परेशान थे, मेरे को कमेंट में मिल रहा था टेलीग्राम ग्रुप में, मैं इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया अलग से NWR रीजन के लिए कि वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कोई भी अपडेट आता है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे NWR रीजन वाले कैंडिडेट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया, अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पहले एलोकेशन हुआ था NWR रीजन का। ठीक है दोस्तों, तो जिनका जिनका एलोकेशन हो गया सब कुछ हो जाएगा इजीली। ठीक है दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बी कंसंट्रेट टू योर गोल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय।